رحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم اسٹیج پر تشریف فرما معتبر علماء کرام اور بڑے ہی معتبر اور معزز سامعین کرام نوجوان ساتھیوں چھوٹے چھوٹے عزیز بچوں پردے سے سماعت کر رہی ہماری مائیں اور بہنیں اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہوا احسان ہوا کہ باری تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایک موقع دیا مدرسہ مفتاح العلوم پکری برامہ کے دستار فضیلت کے اس تقریب کے عنوان سے کہ ہم سب مل جل کر ایک جگہ بیٹھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائی جائیں اور سنیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کو عمل کے لیے نمونہ اور رہبر بنائیں اور اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں کہ جس کی وجہ سے اللہ ہماری دنیا کی بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی کامیاب و کامران بنا دے۔ آج کا یہ پروگرام مدرسہ مفتاح العلوم پکری برامہ کے دستار فضیلت کے عنوان سے ہے اور بڑے بڑے اکابر علماء کرام جو ہمارے تشریف لا چکے ہیں ان کے بیانات ہونے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ یہ عزم کر کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ ابتدا سے انتہا تک پروگرام کے شروع سے لے کر جب تک دعا پر اختتام نہ ہو جائے دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے اور باتوں کو اس نیت سے سنیں گے کہ جن باتوں پر ہم عمل کر رہے ہوں تو اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں گے اور جو باتیں ہمارے عمل میں نہ ہو ہم عزم کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ کل سے نہیں بلکہ ابھی سے ہی ان باتوں پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر ہم نے اس طرح ان چند گھنٹوں کو گزار لیا تو اللہ رب العزت کی ذات سے توقع اور امید ہے کہ اللہ ہم سبوں کے بتائے ہوئے ان وقتوں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے گا اور کیا پتا ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو ایمان والا بنایا انسان بنانے کے بعد،
साहिब अक्लो फहम बनाया अपने करम से, और हर एक अकल वाला इंसान हमेशा इस सोच में लगा रहता है कि वो अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा अमल करे जिसकी वजह से वो इंसान दोनों जहान की जिंदगी में फायदा उठाए। कोई भी साहिबे अकल इंसान ऐसा नहीं होगा जिसकी ये ख्वाहिश हो कि इंसान अपनी जिंदगी में ऐसी तिजारत करे जिसमें उसको खसारा और नुकसान का सामना करना पड़ जाए। ऐसा किसी साहिब अकल इंसान की सोच नहीं होगी, बल्कि हर एक साहिब अकल इंसान की सोच यही है कि वो जो काम करे उसमें उसे फायदा मिले, जिस तिजारत को वो करे उस तिजारत में उसे नफा की तवक्को और उम्मीद हो। मैंने कुरान करीम के पारा नंबर 22 सूरह फातिर की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के अंदर तीन बातें बयान फरमाई हैं, और बयान फरमाने के बाद ये फरमाया कि जो इंसान अपनी जिंदगी में ये काम कर रहा हो वो इंसान एक ऐसी तिजारत कर रहा है जिस तिजारत में उसको नफा की ही उम्मीद रखनी चाहिए। इन तीन कामों पे जो इंसान अमल पैदा हो जाए तो इस बात का यकीन उसको कर लेना चाहिए कि वो इंसान ऐसी तिजारत कर रहा है जिस तिजारत से उसको नफा ही नफा मिलने वाला है, घाटे खसारे नुकसान का कोई इम्कान ही नहीं है। वो तीन आमाल और तीन बातें क्या है, मुझे बस इन्हीं तीन बातों को जिक्र करना है, और इसलिए नहीं ताकि आप अमल करें, बल्कि इसलिए कि खुदा मुझे उस पर अमल की पहले तौफीक अता फरमा दे, और शायद इन बातों के कहने से सामईन में से कुछ लोगों को अल्लाह अमल की तौफीक फरमा दे तो हमारे लिए ये किस्मत की बात होगी और खुशनसीबी की बात होगी। इस नीयत से मैं वो तीन बातें आप हजरात के सामने रखने की जसारत कर रहा हूं। पहली बात, अल्लाह के किताब के साथ वाबस्तगी याद रखें, बल्कि अगर कागज और कलम है तो इसे नोट कर ले, लिख ले, महफूज कर ले कि सिर्फ तीन बातें हैं, उसी पर अमल करना है। और अल्लाह की आयत ये कह रही है, अल्लाह का फरमान ये कह रहा है कि इन तीन कामों के करने वाले इंसान ऐसी तिजारत कर रहे हैं जिसमें नफा ही नफा की उम्मीद है, घाटा नुकसान खसारा नहीं है। वो तीन बातें बहुत आसान है, उसे नोट कर ले, और सबसे बेहतर यह है कि अपने दिल की तख्ती पर उसे नक्श कर ले। पहली बात, अल्लाह की किताब यानी कुरान पाक के साथ वाबस्तगी। ये एक ऐसी किताब है जिस किताब का आज तक दुनिया के किसी किताब ने कोई टक्कर नहीं दिया। ये किताब ऐसी बेमिसाल किताब है जिस किताब को हर एक पहलू से आप देखते चले, इस किताब का हर पहलू आपको भी मिसाल नजर आएगा। किसी एक पहलू को आप बेमिसाल नहीं कह पाएंगे, बल्कि इस किताब को जिस पहलू से आप देखेंगे ये किताब आपको बेमिसाल नजर आएगी। इस
किताब को अगर इस पहलू से देखें कि ये किताब मोजज़ा है, तो ये किताब मोजज़ा होने में बेमिसाल, ये किताब फसाहत और बलागत में बेमिसाल, ये किताब असर आफरीनी में बेमिसाल, ये किताब इज्जत और जलालत में बेमिसाल, ये किताब इज्जत और असमत में बेमिसाल, ये किताब सहर बयाने में बेमिसाल, ये किताब किस्सों के अंदाजे बयान में बेमिसाल, ये किताब अहकाम की तरतीब में बेमिसाल, ये किताब इंसान के नक्श कर जाने के एतबार से बेमिसाल। जबकि मैंने अभी बात शुरू ही की है, बहरहाल कि ये वक्त जो गुजर गया ये तो फिर वापस लौट कर नहीं आएगा, और रात तो बड़ी तेजी से कट रही है। तो मैं आज से ये कर रहा था कि कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो बेमिसाल किताब है, और ये किसी एक पहलू से नहीं बल्कि तमाम पहलुओं में बेमिसाल है। किसी भी पहलू से देखें कुरान करीम आपको बेमिसाल नजर आएगा, चाहे बात मोजज़ा होने में हो तो भी कुरान बेमिसाल नजर आएगा, चाहे फजीलत और अजमत की बात हो जब भी कुरान बेमिसाल नजर आएगा, चाहे इंसान के मर्तबे की बुलंदी बड़ा बनाने की बात हो जब भी कुरान बेमिसाल नजर आएगा। कुरान इतना बेमिसाल है कि जो इंसान कुरान को पढ़े उसे कुरान बेमिसाल बना देता है, जो इंसान अपनी जिंदगी में कुरान को उठा ले कुरान उसे बेमिसाल बना देता है, जो कुरान को अपने सीने में महफूज कर ले कुरान उसे बेमिसाल बना देता है, जो इंसान अपनी औलाद को कुरान का हाफिज बना दे कुरान उसे बेमिसाल बना देता है, जिस मुआशरे में कुरान की हुक्मरानी नाफिज हो जाए कुरान उस मुआशरे को बेमिसाल बना देता है, जिस मुल्क में कुरान का हुक्म नाफिज होने लगे कुरान उस मुल्क को बेमिसाल बना देता है। कुरान जिस पहलू से भी देखा जाए बेमिसाल है, क्योंकि इसका नाजिल करने वाला बेमिसाल है, जिस पर नाजिल हुआ वो बेमिसाल है, जिस महीने में नाजिल हुआ वो बेमिसाल है, जिस शहर में नाजिल हुआ वो बेमिसाल है, जिस रात नाजिल हुआ वो रात बेमिसाल है, जो लेकर आया वो बेमिसाल है, तो फिर ये किताब बेमिसाल क्यों ना हो। कुरान की कुरान कितना बेमिसाल है, मैं चंद वाकयात चंद एक वाकयात में आपको बताऊं। कुरान इतना बेमिसाल कि इंसान अंग्रेज है अपनी बातें अंग्रेजी में करता है, इंसान चाइना का है अपनी जुबान में बात करता है, इंसान मलेशिया का है अपनी जुबान में बात करता है, इंसान हिंदुस्तान का है अपनी जुबान में बात करता है, इंसान बंगाल का है अपनी जुबान में बात करता है, इंसान गुजराती है अपनी जुबान में बात करता है, अलगर्ज इंसान जिस खित्ते का है वहां की जुबान में बात करता है, लेकिन तमाम खित्ते के इंसानों को जब कुरान पढ़ना होता है तो अरबी जुबान में पढ़ना पड़ता है। ये कुरान बेमिसाल है, उसकी एक दलील है। कुरान कितना बेमिसाल है कि उसकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती, दुनिया में ऐसी किताब न आई है न है न आ सकती है कि जिसके पढ़ने पे सवाब हो, जिसके देखने पे सवाब हो, जिसके सुनने पे सवाब हो, जिस पर अमल करने पे सवाब हो, जिसके समझने पर सवाब हो, जिसके उठाने पे सवाब हो, जिसको सीने से लगाने पे सवाब हो, जिसको आंखों के लगाने पे सवाब हो, आज तक दुनिया में कोई ऐसी किताब ना आई है ना सकेगी। वो एक ही किताब है जिसे कुरान कहते हैं। ये कुरान का वो पहलू है जो पहलू भी बेमिसाल, जो पहलू भी बेमिसाल। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं कि जिसके 50 वर्कों और पेजों को बगैर समझे याद किया जा सके, कोई किताब दुनिया की ऐसी नहीं, लेकिन एक किताब ऐसी है जो समझे वो भी याद करे, जो न समझे वो भी याद करे, बूढ़ा हो वो भी याद करे, जवान हो वो भी याद करे। ताज्जुब तो ये है कि जो मासूम बच्चा हो वो भी इसे याद करके अपने सीनों में महफूज करे।
ये मौजजा है कुरान का और ये तरीका है इन्ना नहनु नुज़िल ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून का कि नाज़िल हमने ही कुरान को किया है, मुहाफिज हम ही कुरान के हैं। ये तरीके हैं खुदा के, खुदा चाहे तो बूढ़े के सीनों में इसे महफूज कर दे, खुदा चाहे तो जवानों के सीने में इसे दाखिल कर दे, खुदा चाहे तो मासूम बच्चों के सीनों में इसे दाखिल कर दे। ये मौजजा है कुरान का, कुरान बेमिसाल है, इसकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती। आज से 1450 साल पहले से आज तक मुआदिने इस्लाम, मुआदिने कुरान, दुश्मने कुरान की गर्दन पर तलवार की तरह ये चैलेंज लटका हुआ है और लटकता रहेगा कयामत की सुबह तक। कह लोगों, अगर तुम्हें शक है इस बात में कि ये किताबें खुदाबंदी है, तो आओ, तुम्हें जबान दानी का दावा है, तुम भी कुरान के जिस जबान में कुरान है उसको जानते हो, पेश कर दो कुरान की जैसी कोई किताब। नहीं पेश करते, कुल लैन इजतमअतिल इंस वल जिन अला अन यातू बिमिथलि हादल कुरान ला यातून बिमिथलि वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। कि ए लोगों, अगर कुरान की मिसाल पेश करना चाहो, बुला लो जिसे बुलाना है, इंसानों को बुलाओ, जिन्नात को बुलाओ, माँ सिवा खुदा के हर एक को बुला लो, सब एक दूसरे का ताउन करें, सब एक दूसरे की मदद करें, बना लो कुरान जैसी किताब, पेश कर दो कुरान की मिसाल। लेकिन यकीन मुस्तकम है, नहीं ला सकते, दुनिया ने नहीं पेश किया, आजिज हो गई, खुदा ने चैलेंज को कम किया और कह दिया अगर कुरान की मिसाल नहीं ला सकते, इसकी 10 सूरतों की जैसी सूरत बनाकर पेश करो। अम यकुलून अफ्तरा कुल फातू बिसूर बिअशर सूर मिसलिही। कुरान की मिसाल नहीं ला सके, 10 सूरतें कुरान की सूरतों की तरह बना कर दिखा दो, नहीं बना सकते। आओ, मैं अपने चैलेंज को और कम करता हूँ और ये कहता हूँ, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये किताब इंसानी किताब है, ये खुदाई किताब नहीं है, तो आओ, तुम्हें तहदी है, तुम्हें चैलेंज है, शर्त है तुमसे, आओ कुरान की एक सूरत की तरह कोई सूरत पेश कर दो, बड़ी सूरत नहीं, छोटी ही ला कर दिखाओ। लेकिन नहीं ला सकते, क्यों? इसलिए कि ये किताब बेमिसाल किताब है, इसकी मिसाल दुनिया में कहां से आ सकती है? ये किताब बेमिसाल है, ये किताब कितनी बेमिसाल, इतनी बेमिसाल, जो इंसान इस किताब को अपने सीने में महफूज कर ले, याद कर ले, खुदा अपनी अपना नाम, अपना सिफाती नाम उसे देता है, खुदा हाफिज है, खुदा का सिफाती नाम हाफिज है, लेकिन खुदा कहता है हाफिज तुम भी हो, क्योंकि तुमने अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किया है। लो, मैं अपनी सिफाती नाम तुमको देता हूँ। ये कुरान का वो पहलू है जो मिसाल बेमिसाल है। कुरान कितना बेमिसाल, इतना बेमिसाल कि दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसका एक हर्फ पढ़ा जाए, एक नेकी मिले, एक नेकी को 10 नेकियों में गुना करके मिले, लेकिन एक किताब है जिसे कुरान कहते हैं, खुदा का रसूल कहता है, जो इंसान कुरान का एक हर्फ पढ़े, एक नेकी, वल हसनतु बिअशर अमसालिहा, एक नेकी 10 नेकी में बदल कर दिया जाएगा। मैं ये नहीं कहता पूरा अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफ अलग एक हर्फ है, लाम अलग एक हर्फ है, मीम अलग एक हर्फ है, अलिफ पर एक हर्फ मिलेगा, लाम पर अलग नेकी, अलिफ पर एक नेकी, लाम पर अलग एक नेकी मिलेगी, मीम पर अलग एक नेकी मिलेगी, एक नेकी को 10 नेकियों में बदल कर देंगे, 3 हर्फों पर 3 नेकी और इस 3 नेकियों को 30 नेकियों में बदल कर देंगे। लाए दुनिया की कोई ऐसी किताब जिस किताब के एक एक हर्फ पढ़ने पर 10-10 नेकियां मिल रही हो? नहीं है। क्यों? एक ही किताब है जो मिसाल है, वो किताब है कुरान के। आज इसी उनवान से, इसी मुनासिबत से हमारा ये इतना बड़ा अच्छीला प्रोग्राम,
कुरान बेमिसाल हर पहलू से। लेकिन हुआ गया, हुआ ये कि हमने कुरान को अपने सीने से नहीं लगाया, हमने कुरान को अपना राहबर नहीं माना, हमने कुरान पे अमल करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया, जिसका नतीजा यह हुआ जो आज हम और आप देख रहे हैं। आज हम और आप देख रहे हैं दीन इस्लाम ने तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। दुनिया का कोई मजहब और धर्म ऐसा नहीं, दुनिया का कोई मजहब और धर्म ऐसा नहीं जिसने तालीम को फरोग देने के लिए, तालीम के बढ़ावा के लिए उतना काम किया हो जितना काम दीन इस्लाम ने किया है। वाहिद मजहब है, वाहिद दीन है दीन इस्लाम, जिसने तालीम के फरोग के लिए इतना काम किया कि दुनिया के दूसरे मजाहिब ने कभी दावा न किया और न कर सकते। मैं आपको एक वाकये के तवस्सुत से बताता चलूं कि दीन इस्लाम ने तालीम के फरोग के लिए कितनी मेहनत की है और कितना तालीम को फरोग दिया है। नबी पाक की जिंदगी है, उम्र 40 हो चुकी है, आपको जलवत में तबीयत नहीं खलवत में तबीयत लगने लगी है, लोगों के बीच नहीं लोगों से लाहिदगी में मजा आने लगा है, आप लोगों के भीड़ी मजमे से हटकर गारे हिरा में रहने लगे हैं, अल्लाह की याद में अपना वक्त बिताने लगे हैं, आप मुंतजर हैं, आपको ऐसा लग रहा है कोई आएगा कोई आने वाला है, आप इंतजार में हैं। सारे तकरीबन 600 साल का अरसा गुजर गया, जिब्रील अमीन दुनिया में वही लेकर नहीं आए, हजरत ईसा को आसमान पर उठाए हुए तकरीबन 600 साल हो चुके हैं, अल्लाह ने किसी को आपके बाद नबुवत से नहीं माला माल किया और किसी को रिसालत से माला माल नहीं किया, जिब्राइल हजरत ईसा के बाद वही लेकर नहीं आए, आप गारे हिरा में हैं कि अचानक हजरत जिब्राइल की आमद होती है, आमद होती है, जिब्राइल अर्ज करते हैं इकरा इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक, ऐ नबी अपने उस परवरदिगार के नाम से पढ़िए जिसने तखलीक की है चीजों की। नबी का जवाब आता है माना बुखारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं कैसे पढ़ूं। हजरत जिब्राइल नबी को अपने सीने से दबाते हैं लगाकर और कहते हैं इकरा, नबी का जवाब वही था, हजरत जिब्राइल फिर सीने से लगाते हैं लगाकर दबाते हैं, नबी का जवाब वही था मैं पढ़ना नहीं जानता, हजरत जिब्राइल तीसरी बार सीने से लगाकर दबाते हैं, नबी का जवाब अब बदल जाता है, हजरत जिब्राइल पढ़ाते हैं, नबी पढ़ते हैं इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लजी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। ये पहली वही है, लेकिन तसव्वुर में मेरा ज़हन कहने लगा खुदाया ये क्या बात है, ये आज पहली वही नाजिल हो रही है, कुरान की ये 5 पहली आयतें नाजिल हुई है, जबकि हालात ये हैं, लोगों के रवैये ऐसे हैं, न खुदा की उलूहियत को जानते हैं, न वहदानियत को जानते हैं, न नबूवत को जानते हैं, न रिसालत को जानते हैं, न नबी के इत्तेबा की बरकत जानते हैं। हालत ये है औरतों पे जुल्म हो रहे हैं, औरतों के हुकूक पामाल हो रहे हैं, आपस में जंगो जदल का माहौल गर्म है, लोग एक दूसरे पर ताना कशी कर रहे हैं, औरतों को जायदाद की तरह वरासत में मुंतकिल किया जा रहा है। तसव्वुर में ज़हन कहने लगा खुदाया पहली वही तो वहदानियत की होनी चाहिए थी, पहली वही तो नबूवत और रिसालत की होनी चाहिए। तसव्वुर में ज़हन कहने लगा खुदाया पहली वही में नबूवत के इत्तेबा की बात होनी चाहिए, पहले वही में जंगो जदल के सत्ते बाप का हुक्म आना चाहिए, खुदाया पहले वही में इंसान को बास बादल मौत का सबक सिखाया
बताया जाना चाहिए, लेकिन खुदा का जवाब तस्वीर में समझ में आता है। खुदा का जवाब तस्वीर में ऐसे समझ में आता है जब 5 आयतों की तिलावत करते हैं, आंखों को रखते हैं तो पता चलता है। खुदा कहता है, ऐ लोगों देखो, बगैर इल्म के न उलूहियत कायम हो सकती, न बगैर इल्म के उलूहियत जान सकते हो, न बगैर इल्म के रुबूबियत जान सकते हो, न बगैर इल्म के वहदानियत समझ सकते हो, न बगैर इल्म के नबूवत और रिसालत समझ सकते हो, न बगैर इल्म के इत्तिबाए नबूवत को समझ सकते हो, न बगैर इल्म के हुकूक निस्वा की अदायगी कर सकते हो, न बगैर इल्म के जद्दोजहद के सदे बाप हो सकता है, न बगैर इल्म के पास बादल मौत का एतकाद हासिल हो सकता है। इसलिए इल्म जरूरी था। तसव्वुर में ये जवाब मिला, कह ज़हन देख जरा, लगा ज़हन कुरान की आयत में, कैसे इल्म का सबक मिलता है, कैसे तालीम की बात मिलती है। ज़हन में ज़हन लगाया, पता चला इन 5 आयतों में 2 बार हुक्म दिया गया, इख्तरा इख्तरा 3 बार हुक्म किया गया, अल्लामा 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 3 बार कहा गया, 1 बार आला इल्म का तस्करा किया, अल्लामा बिल कलम कलम का तस्करा किया। पता चला कि कुल 6 बार तालीम या आला तालीम का तस्करा किया, जिस इस्लाम ने तालीम के फरोग के लिए इतना कुछ किया है कि पहला हुक्म तालीम से मुताल्लिक और उसमें तालीम और आला तालीम को 5 आयतों में 6 बार जिक्र करके ये बता दिया है, ऐ लोगों तालीम से वाबस्ता रहना। तालीम से जो कौम वाबस्ता रहती है वो कौम जिंदा रहती है, वो कौम मर जाती है जो तालीम से दूर होती है। आज उम्मत मुस्लिमा जिसके लिए खुसूसियत से कुरान आया था, पहले वही जिसमें 6 बार तालीम से जोड़ने की कोशिश की गई, तालीम से वाबस्तगी का हुक्म बताया गया, आज वही कौम है जो तालीम में सबसे पीछे है, तालीम में सबसे पिछड़ा हुआ है। आज देखें हाफिज कुरान बहुत कम तादाद में मिलते हैं, आज देखें तो हमारे इंजीनियर मिल जाएंगे, काबिल वकील नहीं मिलेंगे, काबिल ऑफिसर नहीं मिलेंगे, काबिल जज नहीं मिलेंगे। मुसलमानों ये अज़्म करो कि कुरान की तालीम से भी हम अपने आप को, अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को आरास्ता करेंगे। हम उस इस्लाम के मानने की वजह से मुसलमान हैं। हम असरी तालीम हो या दीनी तालीम हो, दोनों तालीम में पहले पायदान पर रहेंगे। अच्छे वकला हमारे होंगे, अच्छे जज हमारे होंगे, अच्छे ऑफिसर हमारे होंगे, बड़े तबके के ऑफिसर हमारे होंगे। हम इल्म के हर मैदान को फतह करेंगे, चाहे जो मुसीबत हो, जो परेशानी आए, जो आलाम आए, उसे हम सह जाएंगे। कि नबी पर जब वही पहली आई थी, नबी को इतने आलाम का सामना करना पड़ा था, इतनी कुल्फतों का सामना करना पड़ा था, कि हजरत खदीजा से जाकर नबी कहने लगे, मुझे अपनी जान का अंदेशा होने लगा है। लेकिन खदीजा जैसी बाहिम्मत औरत थी जिसने कहा है, जान का खतरा आपको महसूस होता है, खुदा आपको जलील तक नहीं होने देगा। हम वो मुसलमान हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे जो जवानों, अजम करें, अजम करें, तहैया करें, अपनी औलाद को एक रोटी कम देंगे, तालीम के किसी मैदान में पीछे नहीं हटने देंगे, तालीम के किसी मैदान में पीछे नहीं हटने देंगे। ये मेरी पहली बात थी कि किताबुल्लाह के साथ वाबस्तगी। और वक्त शायद मेरा हुआ, बड़े उलमाए इकराम तशरीफ फरमा है, इसलिए दो और बातें मैं सिर्फ जुमले में कह देता हूं। दूसरी बात, नमाज की पाबंदी, नमाज की पाबंदी। इन الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه, नमाज का पाबंद हो जाए जो इंसान किताबुल्लाह के साथ वाबस्तगी के बाद। तीसरी सिफत, وانفقوا مما رزقناهم, जो मैंने दिया है उसमें से खर्च करे राह खुदा में, तन्हाई में भी, अलानिया भी, अकेले में भी, मजमे में भी, जो अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करें। जो ऐसा कर रहे हैं, ये 3 अमल पर जो पैरा हैं,
यर्जून तिजारत लम तबूर, वह ऐसी तिजारत कर रहे हैं जिसमें सिर्फ नफा ही नफा की उम्मीद उसे लगानी चाहिए, घाटा का कोई इम्कान नहीं है, खसारे और नुकसान का कोई इम्कान नहीं है। अल्लाह से दुआ है और आप तमाम हजरात से ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन तीन बातों पर खुसूसियत के साथ जरूर अमल करेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वआखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।